morning, students. Today we are going to do chapter number 2, the adventures of Alice in your English reader book. ये आपकी English reader की book है और हमारा है chapter number 2, the adventure of Alice. Alice बोल सकते हैं, Alice बोल सकते हैं, ठीक है? Let's start the chapter. Finger on the books. One day Alice was sitting on the river bank with her sister. एक दिन जो Alice है, लड़की है, उसका नाम है Alice. वो अपनी बहन के साथ नदी किनारे बैठी थी. She was thinking how boring her sister's book was. वो सोच रही थी कि उसकी सिस्टर की किताबें कितनी बोरिंग है. किताबें बोरिंग लगती है ना जब हम पढ़ते हैं तो कितनी बोरिंग लगती है, और जब हम उसको स्टोरी की तरह सुनाते हैं तो कितनी अच्छी लगती है, है ना. इट हैड नो पिक्चर्स, क्योंकि उसकी बुक्स में कोई भी पिक्चर्स नहीं थी. सडनली एलिस सॉ अ वाइट रैबिट, अचानक से एलिस को वहीं पर एक छोटा सा सफ़ेद खरगोश दिखता है. विद अ वॉच इन हिज हैंड रैन पास्ट, और उसके हाथ में क्या है, एक घड़ी है, और वो भाग जाता है. एलिस रैन आफ्टर इट एंड वाज जस्ट इन टाइम टू सी इट मूव डाउन द रैबिट बर्रो. एलिस जो है उस खरगोश के पीछे पीछे भागती है और देखती है वो अपने जो उसका खरगोश का जो बिल होता है उसमें जाके खरगोश घुस जाता है. She went after it, moving down slowly, so that she had time to see everything that rabbit does. वो भी उसके पीछे पीछे खरगोश के बिल में घुस जाती है और पीछे पीछे धीरे धीरे खरगोश के पीछे पीछे जाती है ताकि देख सके कि खरगोश क्या कर रहा है. Following the rabbit, Alice landed in a long hall on a heap of dry leaves. There were doors all around the hall. In the middle, there was a glass table on which lay a tiny gold key. और उस रैबिट का पीछा करते करते एलिस फाइनली बड़े से हॉल में जाकर उतरती है जहाँ पर बहुत सारी सूखी पत्तियों का ढेर लगा हुआ है. पिक्चर में दिख रहा है आपको एलिस के नीचे सूखी पत्तियाँ हैं, है ना. तो वो जाकर सूखी पत्तियों के ढेर के ऊपर गिर जाती है. वो देखती है उस कमरे के चारों तरफ बड़े बड़े दरवाजे हैं और बीचों बीच एक कांच का बड़ा सा टेबल रखा है जिस टेबल के ऊपर छोटी सी सोने की चाबी रखी हुई है. She found that the key could not be fitted into the smallest of the doors which opened into the most charming garden you ever saw. लेकिन उसे क्या पता लगता है, वो सारे तालों दरवाजों में चाबी लगा के देखती है लेकिन वो जो चाबी है वो किसी भी दरवाजे में नहीं लगती. लेकिन वो दरवाजे कहाँ खुलने वाले थे, बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स की तरफ खुलने वाले थे, लेकिन वो दरवाजे उस चाबी से नहीं खुलते. However, she could not even get her head through the doorway as the door was very small. और वो उन दरवाजों में से निकल भी नहीं सकती क्योंकि जो दरवाजे हैं वो बहुत छोटे हैं और वो अपने सर से उनमें से नहीं निकल सकती क्योंकि वो दरवाजे किसके लिए बने हुए थे, वो तो रैबिट के लिए बने हुए थे. She took the key back to the table. She saw a little ring with the words "Drink me." तो वो क्या करती है, चाबियों को दोबारा टेबल पर वापस रख देती है और वहाँ पर उसे एक छोटी सी बॉटल दिखती है जिस बॉटल पर लिखा है ड्रिंक मी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिंक मी, मुझे पी लो. ड्रिंक मी, मुझे पी लो. तो बॉटल पे लिखा है मुझे पियो. फाइंडिंग इट वेरी नाइस, एलिस सून फिनिश इट ऑफ. एलिस ने उसको टेस्ट करके देखा, वो बहुत अच्छी लगी, तो एलिस ने क्या करा, वो सारी बॉटल पी ली. आफ्टर ड्रिंकिंग द पोर्शन फ्रॉम द बॉटल शी बिकम स्मॉल इनफ टू गेट थ्रू द डोर. और उस बोतल में जो चीज़ थी, जो लिक्विड था, उसे पीने के बाद जो एलिस थी वो बहुत छोटी हो गई, इतनी छोटी हो गई कि उन दरवाजों में से निकल सकती थी. इट मीन्स वो कितनी छोटी हो गई, रैबिट के जितनी. बट देन शी कुड नो लॉन्गर रीच द की ऑन द टेबल. लेकिन अब एक और नई मुसीबत, अब वो टेबल तक नहीं पहुँच पा रही थी. पहले वो बड़ी थी तो वो टेबल तक पहुँच रही थी, अब वो छोटी हो गई, अब वो उन दरवाजों में से निकल सकती है लेकिन वो टेबल तक नहीं पहुंच पा रही. She tried to climb up one of the legs to the table, but it was too slippery. वो एक टांग से टेबल पर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन वो बहुत फिसलन भरा होता है तो वो नहीं चढ़ पाती. She tried again and again, but could not climb up the table. वो बार बार कोशिश करती है लेकिन टेबल पर नहीं चढ़ पाती. She becomes so tired that she began to cry. और ऐसा कर करके वो थक जाती है और रोने लगती है. जब आप कोई काम करते हो नहीं होता तो गुस्सा आ जाता है ना, फिर हम रोने लग जाते हैं. Suddenly through her tears she saw a little glass box lying under the table. और रोते रोते उसे दिखता है कि उस बॉक्स के नीचे एक छोटा उस टेबल के नीचे एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है.
She opened the box and found a tiny piece of cake with the words "Eat me" written on it. तो फिर वो उस बॉक्स को खोलती है तो उस बॉक्स में एक छोटा सा केक का पीस रखा होता है और उस केक पर क्या लिखा है ईट मी मतलब मुझे खा लो. वेल आई विल सेड एलिस एंड सून हरसेल्फ ग्रोइंग बिग अंटिल हर हेयर टच द रूफ. और फिर वो उस केक को खा लेती है लेकिन अब क्या हुआ केक को खाते ही वो इतनी बड़ी हो गई कि उसका सर जो था वो छत से टकराने लगा. She at once took the golden key and hurried to the garden door. वो फटाफट टेबल पर से वो गोल्डन की उठाती है और गार्डन के दरवाजे की तरफ भागती है. However, it was of no use. लेकिन अब वो उस दरवाजे में से नहीं निकल सकती क्योंकि अब वो बहुत बड़ी हो गई है. She was too tall to go through the door. She sat down and began to cry again until there was a large pool of tears around her. अब वो फिर से रोने बैठ जाती है और उसके आंसुओं से वो पूरा हॉल जो है पानी से लबालब भर जाता है. वो इतना रोती है कि वो बहुत बड़ी हो गई. अब वो बहुत बड़ी हो गई तो उसके आंसू भी ज़्यादा निकलेंगे है ना. वो इतना रोती है कि वो पूरा हॉल जो है वो आंसुओं से भर जाता है. After a while, she heard the patter of feet and a white rabbit appeared. Upon seeing Alice, he dropped his pen and gloves and hopped away. और थोड़ी देर बाद उसे किसी रैबिट के चलने की आवाज़ सुनाई देती है. तो रैबिट जो है एलिस को देखकर ड्रॉप्ड हिज पेन एंड ग्लोव्स एंड हॉप्ड अवे. जो रैबिट है वो एलिस को देखकर डर जाता है और वापस भागने लगता है. पिकिंग अप द फैन एंड फैनिंग हरसेल्फ. जो एलिस होती है वो उस फैन को उठा लेती है. जो रैबिट के पास छोटा सा फैन था उसको उठा लेती है और अपनी हवा करने लगती है. Alice muttered, "I am getting smaller again. It must be because of the fan I am holding." Alice कहती, "अरे, मैं तो दोबारा छोटी हो रही हूँ. शायद जो ये फैन मेरे हाथ में है, इससे मैं हवा कर रही हूँ, इसकी वजह से मैं छोटी होती जा रही हूँ." She dropped the fan quickly, but couldn't stop herself from slipping into her own pools of tears. वो उस फैन को हाथ से छोड़ देती है, लेकिन फिर भी वो उस पानी में डूब जाती है, क्योंकि जैसे-जैसे वो छोटी होती जा रही है पानी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और वो उसमें डूबने लगती है. देन अ माउस केम स्विमिंग टुवर्ड्स हर. और तभी एक छोटा सा चूहा आता है वो उसकी तरफ दौड़ता है. किसकी तरफ दौड़ता है एलिस की तरफ. मैनी एनिमल्स फेल इनटू द पूल इन ऑफ टीयर्स. और धीरे धीरे करके जो उसका आंसुओं का जो पूल बन जाता है जो तालाब बन जाता है उसमें धीरे धीरे करके सारे एनिमल्स डूबने लगते हैं. देयर वाज अ डक अ डोडो अ ब्राइटली कलर्ड पैरट कॉलोरी अ बेबी ईगल एंड सम अदर स्ट्रेंज क्रिएचर. कौन कौन एनिमल्स डूब रहे हैं. एक डक डूब रही है, एक डोडो है, एक पैरट है, एक ईगल है और बहुत सारे अलग अलग तरीके के पशु पक्षी एलिस के साथ उस पानी में डूबने लगते हैं. I think we should all try to move towards the shore. Follow me, said Alice and lead the way. They all swam to a safer place. तो Alice जो है वो कहती है मुझे लगता है कि हमें किनारा ढूंढना चाहिए, हमें किनारे की तरफ चलना चाहिए. चलो सब मेरे पीछे पीछे आओ. However, they were still very wet. सब जो है तैर कर एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं लेकिन वो सब क्या हो गए भीग गए हैं. वेट माने भीगना. सो ऑल द एनिमल्स डिसाइडेड टू रन रेस. तो सब क्या डिसाइड करते हैं कि हम रेस लगाएंगे. रेस लगाने से क्या होगा, हम भागेंगे तो हम सूख जाएंगे है ना. गीले हो जाते हैं तो भागते सूख जाते हैं ना. द डोडो मेक आउट द रेस कोर्स. डोडो जो है वो एक रेस का वो बनाता है, निशान बनाता है, रेस की जगह तय करता है कि यहाँ से वहाँ तक भागना है. ऑल द एनिमल्स रन वेयर एंड हाउ दे लाइक. सभी एनिमल्स अपनी मर्जी से भाग सकते हैं. As no one counted 1, 2, 3 start, after some time the dodo said the race is over. अब कोई ये बोलता ही नहीं कि 1, 2, 3 सब इंतजार कर रहे हैं खड़े होकर चलो भाई रेस लगाते हैं. बोलो कौन बोलेगा. किसी ने बोला ही नहीं 1, 2, 3 सब खड़े होकर इंतजार करते हैं. तो डोडो कहता है ठीक है रेस खत्म हो गई. All the animals crowded around the dodo and asked, but who has won the race? जितने भी एनिमल्स हैं वो डोडो के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन ये तो बताओ रेस जीता कौन. जब कोई भागा ही नहीं तो जीता कौन. द डोडो सेड एवरीवन हैज़ वॉन. डोडो कहता है कि सब जीत गए, कोई नहीं हारा.
बट हु विल गिव द प्राइजेस आज द एनिमल्स द एनिमल्स कहते हैं कि फिर बताओ हमें इनाम कौन देगा शी ऑफ कोर्स सेड द डोडो पॉइंटिंग टुवर्ड्स एलिस तो डोडो जो है वो एलिस की तरफ इशारा करते हुए कहता है कौन देगा इनाम एलिस देगी कौन देगा एलिस देगी प्राइजेस प्राइजेस कॉल्ड आउट द एनिमल्स सारे एनिमल्स उसको घेर लेते हैं और चिल्लाने लगते हैं हमें भी इनाम दो हमें भी इनाम दो हमें भी इनाम दो एलिस पुट हर हैंड इन हर पॉकेट एंड पुल्ड आउट अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स शी गेव चॉकलेट्स टू ऑल एज प्राइजेस एलिस अपने पॉकेट में हाथ डालती है और उसकी पॉकेट में से क्या निकलता है अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट और वो सबको प्राइज के रूप में क्या देती है चॉकलेट चैप्टर इज ओवर आज के लिए बस इतना ही टुमारो विल डू द वर्ड मीनिंग थैंक यू